एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की रची एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई की साजिश में मुंबई छोड़कर भागा माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम भी बराबर का शरीक है। दरअसल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईएसआई और दाऊद के एक ऐसे रैकेट को बेनकाब किया जिसके जरिए दाऊद के गुर्गे भारतीय बाजार में नकली नोटों के गोरख धंधों को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। आईएसआई की नकली नोट की बैटरी पर न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 9 फरवरी 2020 को मुंबई क्राइम ब्रांच को सेंट्रल एजेंसी से इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें सफेद जींस पैंट और ऑरेंज कलर की कैप पहना हुआ एक व्यक्ति आएगा। यह व्यक्ति दुबई से आ रहा था परंतु ये नोट जो हैं ये पाकिस्तान से पहले दुबई गए थे और दुबई से इंडिया लाए गए हैं। दाऊद इब्राहिम के फेक करेंसी के खेल पर न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। इनकी टोटल वैल्यू जो है 23,86,000 है। ये सभी के सभी 2000 के डिनोमिनेशन में है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने टर्मिनल 2 है, वहाँ पे बस स्टॉप के सामने होगा और उसके पास फेक करेंसी होगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी। आईएसआई के नकली नोट के काले कारोबार पर न्यूज 18 इंडिया की खास रिपोर्ट। करीब करीब 23,86,000 23,86,000 रुपीज के सब 2000 डिनोमिनेशन के नोट्स जो हाई क्वालिटी के थे वो वहाँ पे जब्त किए गए थे। लगभग सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो सक्सेसफुली कॉपी कर लिए गए हैं सिवाय 2 ऐसे फीचर्स जो कि आप नेकेड आई से पहचाने जा सकते हैं। दाऊद के गुर्गों के गोरख धंधे पर न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। इसमें काफी सारे ओरिजिनल करेंसी नोट के फीचर्स में कॉपी किए गए हैं, सिर्फ दो फीचर ऐसे थे कि ज्यादा अगर अनुमान उसमें नहीं दिखे। आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए इनको भी पहचानना बहुत ही मुश्किल है, तो ये बड़े हाई क्वालिटी के नोट्स हैं। आईएसआई दाऊद की टेरर फंडिंग की साजिश पर न्यूज 18 इंडिया की खास रिपोर्ट। जिस तरह की हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस तरह का हमारा सीजर है, तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि टेरर लिंकेज इसमें हो सकता है, इसमें इंटरनेशनल एक्टिविटीज का भी एंगल हो सकता है। इसने दुबई में 2-3 इसके पहले ट्रिप्स मारे हुए हैं, ये 2 बैंकॉक भी जाके आया हुआ है। आईएसआई दाऊद का खेल ऑपरेशन करेंसी। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई, माया नगरी मुंबई। मुंबई यानी भारत की आर्थिक राजधानी। मुंबई यानी वो शहर जहां लोग अपने सपनों की उड़ान लिए आते हैं। मुंबई यानी वो शहर जहां जिंदगी तरक्की के पीछे तेज रफ्तार भागती है। इसी चमकती दमकती मुंबई का एक काला चेहरा ऐसा भी है जिसे अंडरवर्ल्ड कहते हैं। वही अंडरवर्ल्ड जिसने करीम लाला से लेकर दाऊद इब्राहिम तक सोने की तस्करी से लेकर ड्रग्स का काला कारोबार देखा, तो इसी अंडरवर्ल्ड पर बादशाहत करने की हसरत में कत्लोगारत और गैंग वॉर भी देखी। कहते हैं अंडरवर्ल्ड सिंगल लेन, जहां आदमी कभी अपनी मर्जी से तो कभी अपनी मजबूरी की वजह से घुसता है, लेकिन फिर कभी वो धंधे को छोड़ नहीं पाता। मुंबई अंडरवर्ल्ड के काले सच की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दाऊद इब्राहिम कासकर भारत का गुनहगार और मोस्ट वांटेड मुच्छड़ जहाजी साहब माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के कुछ नाम ये भी हैं। और दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम की पहचान छिपाने के इरादे से उसे कुछ फर्जी नाम और दे रखे हैं। दाऊद इब्राहिम कासकर जितने भी नाम बदल ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके गुनाहों की लंबी फहरिस्त में उसका अक्स नजर आ ही जाएगा। नौ फरवरी 2020 को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मिली एक जानकारी के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम टीम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर के बस स्टैंड से एक शख्स को सुबह करीब 9:30 बजे हिरासत में लेती।
9 फरवरी 2020 को मुंबई क्राइम ब्रांच को सेंट्रल एजेंसी से एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें सफ़ेद जीन्स पैंट और ऑरेंज कलर की कैप पहना हुआ एक व्यक्ति आएगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने टर्मिनल 2 है वहाँ पे बस स्टॉप के सामने होगा और उसके पास फेक करेंसी होगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी। केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के अनुसार हमें ऐसी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के पास जो एक बस स्टॉप है वहाँ पर एक संशयित व्यक्ति आने वाला है जिसके पास फेक इंडियन करेंसी नोट्स होने की संभावना है। तलाशी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को शख्स के ट्रॉली बैग से 24 लाख के नकली नोट मिलते हैं। पकड़े गए तमाम नकली नोट 2000 के। इसके साथ ये बात भी सामने आ गई कि आरोपी इस गोरख धंधे का पुराना खिलाड़ी है और उस पर पहले से ही कई केस दर्ज है। सुबह करीब 9:30 बजे इस व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया गया। इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास 2000 के नकली नोट मिले हैं। जो अभी तक प्राथमिक जानकारी हमें चौकसी से मिली है वो ऐसी है कि ये व्यक्ति दुबई से आ रहा था, परंतु ये नोट जो हैं ये पाकिस्तान से पहले दुबई गए थे और दुबई से इंडिया लाए गए हैं। डी टाट ने वहाँ पे कार्रवाई की थी और उसमें उस शख्स को जब हिरासत में लिया तो उसके पास करीब करीब 23,86,000 23,86,000 रुपीज़ के सब 2000 डिनोमिनेशन के नोट्स जो हाई क्वालिटी के थे वो वहाँ पे जब्त किए गए थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जाली नोटों को बड़े ही शातिर तरीके से ट्रॉली बैग में छिपाया गया था। नकली नोटों को बैग की दीवार और कपड़ों के बीच के गैप में दबाकर कुशन के ऊपर रखा गया था, जिसकी वजह से पुलिस टीम को बैग में जाली नोटों को ढूंढने में 1 घंटा लग गया। बहुत ही अच्छी तरह से उसने अंदर छुपाया हुआ था, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्पेसिफिक थी और बहुत ही क्लियर थी, तो हम उसको बहुत डिटेल में चेक करते रहे, उसके बाद हमें सक्सेस मिला है। लेट मी वेरी क्लियर ऑन दिस, इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी दिस थिंग कि आपने उसे पकड़ा, ऐसे ऐसे चेक किया और आपको नोट मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे मुंबई पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उनके सामने नकली नोटों की तस्करी के इस रैकेट के गोरख धंधे और परते भी खुलती चली गई। दरअसल जिस शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया वो थाने का 36 साल का जावेद गुलाम नबी शेख है। जावेद ने मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान जो राज उगले उन्हें सुनने के बाद वो भी चौंक पड़ी। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक जावेद शेख का कनेक्शन और किसी से नहीं बल्कि डी गैंग से निकला है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था में सेध लगाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय नकली करेंसी की साजिश रची और इन नकली नोटों को भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है दाऊद इब्राहिम को। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में जावेद ने बताया कि दुबई में डी गैंग के खास गुर्गे सरदार ने उसे 2000 के जाली नोट भारत पहुंचाने के लिए दिए थे। इसके बदले में सरदार ने जावेद को मोटा कमीशन देने का लालच दिया। जावेद को नकली नोटों की ये खेप मुंबई में बैठे डी गैंग के गुर्गे तक पहुंचानी थी। सरदार डी कंपनी का बेहद खास गुर्गा है। दाऊद और उसका भाई अनीस इब्राहिम दोनों ही सरदार पर बहुत भरोसा करते हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और डी कंपनी नकली नोटों को भारत में मुंबई समेत अलग अलग शहरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी सरदार को ही सौंपी है। सरदार ही दाऊद का वो गुर्गा है जो ISI की जाली नोट बनाने की फैक्ट्री में नकली नोटों को छपवाने के काम से लेकर उन्हें पहले दुबई पहुंचाने और फिर वहां से भारत भेजने की लोगों को चुनने का काम भी देखता है। सरदार पर दाऊद और अनीस इब्राहिम के भरोसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल के मालदा में नकली नोटों के पकड़े जाने के बाद हवाई रास्ते के जरिए भारत में नकली नोटों की तस्करी का आइडिया सरदार ने ही दिया था, जिसे ISI और दाऊद ने फौरन मान लिया था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक डी कंपनी नोटों की तस्करी के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गुर्गे को चुनती है। इसके लिए बाकायदा उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में जिसे महारत हासिल हो जाती है वही गुर्गा नोटों की तस्करी की जिम्मेदारी को संभालता है। अब जब इतनी
फाइन करेंसी और इतनी सोफिस्टिकेटेड करेंसी छपी है तो ये इतनी छोटी मात्रा में छपी नहीं होगी, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में छपी होगी। और इस करेंसी को अब दोबारा से देश विरोधी कार्रवाइयाँ करने के लिए या दहशतवादी कार्रवाई करने के लिए हमारी जो पड़ोसी सरकार है या उनकी खुफिया एजेंसी है वो दोबारा से उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अपनी तफ्तीश के दौरान जिस बात ने मुंबई पुलिस को और चौंका दिया वो है 2003 जाली नोटों का पटना कनेक्शन। जावेद शेख ने क्राइम ब्रांच के सामने ये राज भी उगल दिया है कि वो जाली नोटों की कई खेप इससे पहले भी दुबई से मुंबई और फिर नासिक और पटना तक पहुंचा चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जावेद पटना में करीब 25 लाख के जाली नोट और नासिक में 20 से 22 लाख के 2000 के जाली नोटों की खेप पहुंचा चुका है। पुणे में और गोवा में क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग के इसके ऊपर केसेस पुराने रजिस्टर्ड हैं, अरेस्टेड एक्यूज पे जावेद शेख पर। दूसरा, इसने दुबई में 2-3 इसके पहले ट्रिप्स मारे हुए हैं, ये 2 बार बैंकॉक भी जाके आया हुआ है। तो इस तरह के डिटेल्स हमारे पास अभी हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी कंपनी के गुर्गों को नेपाल में बिठा रखा है और उनके ऊपर ISI ने अपनी सरपरस्ती बना रखी है। इसका नतीजा ये हुआ था कि डी कंपनी ने नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोटों की तस्करी के काले कारोबार का नेटवर्क फैला दिया। लेकिन जावेद के जरिए ISI और दाऊद ने जिस तरह पहली बार जिस मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया है वो नया जरूर है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की गरज से नकली नोट छापने की फैक्ट्री खोल रखी है। यानी पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में चल रही फैक्ट्रियों में भारतीय करेंसी के नकली नोट छप रहे हैं और ISI ने दाऊद इब्राहिम को नकली नोट भारत में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ISI की पूरी कोशिश है कि वो भारतीय करेंसी की हूबहू नकल तैयार कर ले और फिर इन नोटों को भारतीय बाजार में उतार दे। भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाने की गरज से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के खिलाफ जाली नोटों की पुरानी साजिश के जाल को एक बार फिर एक्टिव किया है और दाऊद की मदद से नकली नोटों की खेप भारत भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ISI का ये कारोबार काफी पुराना है और इसके लिए ISI ने पाकिस्तान के कई शहरों में फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। एजेंसियों के मुताबिक ISI जाली नोट छापने का काम लाहौर और कराची में बनाई गई प्रिंटिंग प्रेस में करती है। ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस खास तौर पर भारत के नकली नोट छापने के लिए ही बनाई गई हैं। ISI को 2000 रुपए का जाली नोट तैयार करने के लिए 80 रुपए की लागत आती है। इस नोट को वो 700 से 800 रुपए में बेच देती है। भारत में नोट बंदी से पहले पाकिस्तान करीब 1600 करोड़ रुपए के जाली नोट भारत में भेजता था जिससे उससे करीब 500 करोड़ का मुनाफा होता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस, मतलब जो बिल्कुल ब्रिंक पे रहते हैं, जो गुना की दुनिया में और सिविल सोसाइटी में ब्रिंक पे हैं, तो जब उनको दिखेगा इस तरह का काम शुरू हो रहा है तो वापस जाने की पॉसिबिलिटी है। और एक बार वो लोग एक्टिवेट हुए तो फिर से क्राइम, माफिया, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ब्लास्ट, ये सब चीजें जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने उभरेंगी। जावेद शेख जिस तरह दुबई से नकली नोट की खेप लेकर आया था, इससे पहले इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल नहीं हुआ। दरअसल नकली भारतीय करेंसी को भारत में भेजने के लिए ISI दूसरा तरीका अख्तियार करती थी। ISI जाली नोटों को पहले कराची से दुबई भिजवाती थी, दुबई से नोटों की खेप बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचाई जाती, जहां से ISI के गुर्गे जाली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचाते थे। इसके अलावा ISI जाली नोटों को कराची से सीधे नेपाल भी भिजवाती थी। नेपाल से नोटों की खेप को उत्तर प्रदेश या बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भेजा जाता था। पहली बार है कि इतनी बड़ी मात्रा में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड करेंसी पकड़ी गई है और वो भी जिस रूट से आई है, वो रूट किसी समय पे अंडरवर्ल्ड की तरफ से यूज़ किया जाता था, उसमें दाऊद और उसके क्रोनीज का बहुत बड़ा हिस्सा रहता था। धीरे धीरे वो रूट बंद करके उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश के माध्यम से काफी करेंसी भेजनी शुरू की। इस राज से पूरी दुनिया वाकिफ है कि दाऊद इब्राहिम पिछले लंबे वक्त से ISI की सह पर नकली नोटों का काला कारोबार कर रहा है। दरअसल दाऊद के गुर्गे अब भी मुंबई सहित कई शहरों में मौजूद हैं। मुंबई पुलिस को शक है कि इन्हीं गुर्गों की मदद से दाऊद
फिर से नकली नोटों की तस्करी भारत में कर सकता है। यही वजह है कि उसके फरार हुए बदमाश गुर्गों को पकड़ने की कोशिश जारी है और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के भंडाफोड़ करने के बाद देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां बेहद ही चौकन्नी हो गई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि जावेद शेख से उसने जो 2000 के जाली नोट बरामद किए हैं वो काफी बेहतर क्वालिटी के थे और अगर ये बाजार में पहुंच जाते तो आम लोगों का इन्हें पहचान पाना मुश्किल होता। लगभग सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो सक्सेसफुली कॉपी कर लिए गए हैं, सिवाय दो ऐसे फीचर्स जो कि आप नेकेड आई से पहचाने जा सकते हैं, परंतु उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए इनको भी पहचानना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बड़े हाई क्वालिटी के नोट्स हैं। एक था सिक्योरिटी थ्रेट जिसमें कलर चेंज होता है, कलर चेंजिंग इंक होती है जो सामने से देखने से हरा दिखता है, उसको जब आप टिल करते हो तो उसमें ब्लू कलर का दिखता है, वो फीचर उसमें नहीं दिखा। और उसके साथ में जब हम नोट को टिल करते हैं तो उसमें 2000 नोट इनक्रिप्टेड उसमें दिखते हैं, जो उभरे हुए दिखते हैं वो उसमें नहीं थे। जानकारों के मुताबिक भारतीय करेंसी के हर नोट में 9 सुरक्षा फीचर रखे गए हैं, लेकिन ISI ने इनमें से 7 की कॉपी कर 2000 के नकली नोट बाजार में उतारने का प्लान बनाया था। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने ISI और दाऊद की रची एक और साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जानकारों के मुताबिक अगर आम जनता कुछ बातों का ध्यान रखे तो वो भी असली और जाली नोटों की पहचान कर सकती है और इसमें सबसे अहम है नोट पर छपा हुआ खास तरह का वाटर मार्क। ये जो वाटर मार्क कहते हैं, इसको कहते हैं वाटर मार्क, तो इस वाटर मार्क को कॉपी करना सबसे मुश्किल बात है, तो जो कोई कॉपी करेगा वो पकड़ा जाएगा। अब ये वाटर मार्क आप ऐसे पकड़ो तो ब्लू दिखाई देगा, और ऐसे पकड़ो तो अभी ये ब्लू दिखता है, ये हरा दिखता है। तो सामने से जिसे नेकेड आईज खुली आंखों से देखो तो ये हरा दिखता है, और ऐसे फ्लैट देखो तो आपको नीला दिखता है। तो ये असली नोट पहचानने का एक तरीका है, मैंने आपको कलर का रंग भी बताया है, और ये तो वाटर मार्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ISI भारत में जाली नोट भेजकर हर साल 500 करोड़ रुपए कमाती थी, लेकिन नोटबंदी के बाद उसके इस कारोबार पर लगाम लग गई। शुरुआत में उसने जो नोट बनाए वो बाजार में नहीं चले। इसके बाद ISI ने अपने 500 करोड़ के कारोबार को बचाने के लिए नए सिरे से नकली नोट तैयार किए हैं। 2000 के जो नोट पकड़े गए हैं उससे ये साफ है कि पाकिस्तान ने 2000 के नोट तैयार करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन इससे पहले ISI अपनी साजिश में कामयाब हो पाता, उसकी साजिश का एक खास मोहरा मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया और ISI की साजिश बेनकाब हो गई। नकली नोटों से ISI आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी करती है, इसलिए भारत में जाली नोट पहुंचाने के लिए लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की भी मदद ली जाती है, जो दहशतगर्दी के लिए जाली नोट की कमाई का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अक्टूबर 2019 में इस राज को बेनकाब किया था कि नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले कुछ अधिकारी ISI के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि दाऊद के गुर्गे ISI की सरपरस्ती में नेपाल में रहते हुए अपने हर काले धंधे को अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ISI नकली भारतीय करेंसी के सर्कुलेशन के लिए नेपाल में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी इस्तेमाल कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि नेपाल में पाकिस्तान का दूतावास जाली नोटों की तस्करी का अड्डा बना हुआ है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का देश। नेपाल दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जो चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से ही घिरा हुआ है, लेकिन बरसों पहले नेपाल की खूबसूरती को एक ग्रहण लग गया था। ग्रहण उस साजिश का जिस दिन से पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने नेपाल में अपने पांव पसारने शुरू किए थे, और ISI की बदौलत मुंबई छोड़कर भागे माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम ने नेपाल में अपना बेस बनाना शुरू किया।
नेपाल में आईएसआई की सरपरस्ती में टी कंपनी के गुर्गे अपने काले कारोबार का धंधा धड़ल्ले से चला रहे हैं। इसकी एक मिसाल मई 2019 में देखने को मिली थी। ये काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय त्रिभुवन एयरपोर्ट के सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। यूं तो इन तस्वीरों में कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन जब आप इनकी हकीकत से रूबरू होंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल इन तस्वीरों में मौजूद नेपाल पुलिस के अधिकारियों की नजर कुछ सूट केसेस पर थी, और जैसे ही उनका इंतजार खत्म हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स चौंक पड़ा था। जैसे जैसे वो संदिग्ध सूट केस खोलते गए, उसमें से करोड़ों की भारतीय करेंसी बाहर निकलती गई। इन सूट केसेस में से जब सारी करेंसी निकाल ली गई तो ये गिनती 7.5 करोड़ पर रुकी थी। सूट केस से निकलने वाली सारी करेंसी 2000 के नोटों की शक्ल में थी, और ये तमाम रकम जाली थी। यानी जो कोई भी इन सूट केस को लाया था वो भारतीय करेंसी के काले कारोबार में शामिल था। आइए अब आपका तारुफ उस शख्स से भी करा दें जिसके इशारे पर ये सारा गुरु धंधा अंजाम दिया जा रहा था। सिर पर नेपाली टोपी लगाए कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे शख्स का नाम यूनुस अंसारी है, और इसकी असली पहचान ये है कि ये नेपाल में डी कंपनी के मालिक दाऊद इब्राहिम के हर काले धंधे को चलाता है। दरअसल यूनुस अंसारी को भारतीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर ही नेपाल पुलिस ने उसके 3 पाकिस्तानी और 2 नेपाली साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। ये सभी 2 बड़े सूटकेसों में जाली करेंसी भरकर कतर से दोहा होते हुए काठमांडू पहुंचे थे। तीनों पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अख्तर और नादिया अनवर जाली नोटों की खेप लेकर नेपाल पहुंचे थे, और यूनुस अंसारी अपने 2 करीबियों सुजान राणा भट्ट और सोयर खान के साथ ये पैसा रिसीव करने गया था, लेकिन नेपाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। यूनुस अंसारी एक लंबे वक्त से दाऊद इब्राहिम के इशारे पर नेपाल में जाली भारतीय करेंसी और ड्रग्स तस्करी का रैकेट चला रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस यूनुस अंसारी को 2 बार गिरफ्तार कर जेल में भी डाल चुकी है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो फिर अपना काला कारोबार शुरू कर देता। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नकली नोटों के इस काले धंधे को 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पैदा किया था। इसके साथ साथ आईएसआई ने नेपाल में भी एक नेटवर्क खड़ा किया था, जिसके जरिए बाद में भारत में नकली नोटों की तस्करी की गई। इस खेल में आईएसआई का सबसे बड़ा हथियार बना दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा हथियार जो आईएसआई की हर साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में उसकी पूरी मदद करता था। यकीनन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसे आईएसआई भारत के खिलाफ कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर देती है। दाऊद इब्राहिम के जरिए आईएसआई नकली नोटों की ये काला बाजारी आज से नहीं बल्कि एक लंबे वक्त से चला रही है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां नेपाल पुलिस की मदद से वक्त वक्त पर आईएसआई और दाऊद के इस रैकेट को तोड़ रही हैं। आइए अब आपको दाऊद गैंग की कारस्तानी की एक और मिसाल दिखाते हैं। ये साल 2016 की तस्वीरें हैं। टेबल पर रखे भारतीय करेंसी के 500 रुपए के नोटों के तमाम बंडल उन नकली नोटों के हैं जिन्हें नेपाल पुलिस ने एक पाकिस्तानी शख्स और उसके साथियों से बरामद किया था। दरअसल 9 अप्रैल 2016 को नेपाल पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद नदीम को उसके 5 साथियों परमानंद यादव, ईश्वर प्रसाद, दिल बहादुर थापा, महादेव और उमा देवी पांडे को भारतीय करेंसी की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। नेपाल पुलिस ने इनके पास से 1 करोड़ के नकली नोट बरामद किए थे। पर एक बात तो साफ हो जाती है कि आईएसआई की शह पर नकली नोटों का कारोबार करने वाले तस्कर नेपाल में अपना ठिकाना बनाते जा रहे हैं, और पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में छपे नकली भारतीय करेंसी की खेप नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुँचाई जा रही है। सूत्रों की माने तो नकली नोटों की तस्करी के 2 रूट हैं, नेपाल और बांग्लादेश। आईएसआई पाकिस्तान से पहले नोटों को दोहा, दुबई, थाईलैंड, कतर भेजता है, और इसके बाद वहां से नकली नोटों की खेप को नेपाल पहुंचाया जाता है।
नकली नोटों को भारत में खपाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हिंदुस्तान छोड़कर भागे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भी मदद लेती है। नेपाल में ISI पैट बनाने में दाऊद ने अहम भूमिका निभाई है। नेपाल में मौजूद दाऊद के गुर्गे ISI के लिए काम करते हैं और नकली नोटों की खेप उन्हीं के पास भेजी जाती है। ISI ने पहले बांग्लादेश में नकली नोटों का मजबूत नेटवर्क बना रखा था, इसीलिए पाकिस्तान इसी रूट के जरिए भारत में नकली नोटों की खेप दाखिल करवाता था। लेकिन नोटबंदी के बाद जैसे ही ISI के इस रूट पर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लगाम कसी, ISI ने नेपाल के रास्ते भारत में इस गोरख धंधे को करना शुरू किया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अक्टूबर 2019 में ही इस राज को बेनकाब किया था कि नेपाल में पाकिस्तान का दूतावास दाऊद इब्राहिम के गुर्गों और नकली नोटों के तस्करों का अड्डा बन चुका है। ISI नकली भारतीय करेंसी के सर्कुलेशन के लिए नेपाली मुसलमानों का भी इस्तेमाल कर रही है, जो भारतीय बिचौलियों को भारतीय बाजार में इसकी सप्लाई के लिए नकली नोट देते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI के एजेंट्स नेपाल की राजधानी काठमांडू के ठमेल इलाके में रहने वाले कश्मीरी मूल के लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भी गुनाह की दलदल में धकेलने के काम में लगे हुए हैं। काठमांडू में ISI अपने जाल में फंसे कश्मीरी बिजनेसमैन के जरिए टेरर फंडिंग के लिए पैसा कश्मीर भिजवा रही है। इसके अलावा ISI ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के लिए नार्को ट्रेड और नकली नोटों के सर्कुलेशन के जरिए 2000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा था। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है और उसे जब भी मौका मिलता है तो वो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुट जाता है।